वेलकम ऑल ऑफ यू ने प्लेटफॉर्म ऑफ मेगा गाइड। तो आज जो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो हम लेड मैकेनिक्स की जो हमारी सेकंड चैप्टर की टॉपिक है वो मैनोमीटर है, उसके ऊपर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो मैनोमीटर में आज हम लोग देखेंगे कि मैनोमीटर क्या है, फिर मैनोमीटर फ्लूइड क्या है, और मैनोमीटर में हम लोग बेसिकली उसको स्टडी करते हैं जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होती है या जो मेथड होता है उसको हम उसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिकैप लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर हमारी कौन सी थी, पास्कल्स लॉ थी। पास्कल्स लॉ में हम लोगों ने देखा था प्रेशर का क्या इंपॉर्टेंस है या उसकी क्या रोल है। प्रेशर जब हम लोग किसी सिस्टम पर अगर अप्लाई कर रहे, अगर वो हमारे सिस्टम इनक्लोज्ड है तो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा, इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर उसकी डेरिवेशन वहां पर की गई थी और उसके जो कंक्लूजन आए थे उन कंक्लूजन को हम लोग एनिमेशन के थ्रू वहां पर समझे। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो चलो आज लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हमारे टॉपिक है वो है मैनोमीटर। तो आज हम लोग इसको देखते हैं मैनोमीटर है क्या चीज। तो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं हमेशा की तरह। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मतलब ये भी जो डील करेगी ये क्या होगी, ये प्रेशर के मेजरमेंट जो है उसके ऊपर डील करेगी मैनोमीटर। तो ये मैनोमीटर एक हमारे साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग डील किसके साथ करते हैं कि प्रेशर को मेजर कैसे करना है या प्रेशर की जो मेजरमेंट के जो मेथड है इन सब चीजों को हम लोग मैनोमीटर के अंदर डील करने वाले हैं। अब जो डिवाइस इसके अंदर यूज किया जाता है उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं मैनोमीटर डिवाइस। क्लियर हुई चीजें। मतलब प्रेशर मेजरमेंट करने में जो भी डिवाइस को हम लोग यूज करेंगे उस डिवाइस को मैनोमीटर बोलेंगे। अब ये जो डिवाइस है ये बेस्ड किस पे है, तो ये जो डिवाइस ये बेस्ड ऑन द बैलेंसिंग ऑफ फ्लूइड कॉलम। अब ये फ्लूइड कॉलम क्या अभी समझ में आ जाएगी जब हम लोग अभी थोड़ी देर आगे और बढ़ेंगे। तो ये फ्लूइड कॉलम एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है ये लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि ये लिम्स क्या चीज है, लेफ्ट लिम राइट लिम भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो अभी इतना याद रखो कि ये जो बेस्ड होता है या इसका जो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर प्रेशर को मेजर करते हैं ये जो बेस्ड होता है बैलेंसिंग ऑफ फ्लूइड कॉलम के ऊपर बेस्ड होगा। अब ये बैलेंसिंग ऑफ फ्लूइड कॉलम किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। मतलब कि जो प्रेशर डिफरेंस जो हमें मिलेगा अभी मेजर करेंगे हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर, तो जो हमारे फ्लूइड की जो कॉलम बैलेंस होती है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही बैलेंस होती है जिसकी वजह से हम लोग प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। तो टाइप्स ऑफ मैनोमीटर में जो पहली हमारी है जो टाइप्स वो हमारी है सिंपल मैनोमीटर और जो सेकेंड होगी हमारी वो डिफरेंशियल मैनोमीटर होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सिंपल मैनोमीटर को स्टडी करेंगे। तो सिंपल मैनोमीटर क्या है इसको देखते हैं। दीज आर दी मैनोमीटर्स दैट आर यूज टू मेजर प्रेशर एट अ पॉइंट, एग्जाम्पल पीजोमीटर। मतलब सिंपल मैनोमीटर जो हमारी एक मैनोमीटर की टाइप्स तो है लेकिन इसको यूज कहाँ पर करते हैं, जब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर मेजर करना हो तो उस केस में जो हम लोग डिवाइस यूज करेंगे वो सिंपल मैनोमीटर डिवाइस यूज करेंगे। ये चीज है हमें वर्ड यहाँ पे याद रखना है कि एट अ पॉइंट, मतलब एक किसी पर्टिकुलर या सिंगल पॉइंट पर हमें प्रेशर मेजर करना है तो हमें सिंपल मैनोमीटर ही डिवाइस यूज करेंगे। तो इस प्रिंसिपल पर जो वर्क करती है या जो डिवाइस यूज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर वो डिवाइस क्या है, वो पीजोमीटर है। इसकी डिटेल्स स्टडी अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर ये हमारी सेकेंड है टाइप मैनोमीटर की। डिफरेंशियल मैनोमीटर को भी हम लोग प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं लेकिन यहाँ पर जो हम लोग प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं किसी दो पॉइंट पर, और दो पॉइंट पर क्या, उन दो पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना है, क्या बोला गया है प्रेशर का डिफरेंस कितना है किसी भी दो पॉइंट के बीच, तो उस केस में जो हम लोग डिवाइस यूज करेंगे वो हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करेंगे। इस तरह की चीजें जनरली जो पाइप होती है जहां पर वाटर की सप्लाई या गैस सप्लाई होती है तो उस केस में अगर हमें प्रेशर मेजर करना होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में कितना प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है तो उस केस में हम लोग जो डिवाइस यूज करेंगे वो डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करेंगे। इसका जो एग्जांपल है इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर है या डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या टाइप्स ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। मतलब जो हमारी मेजरिंग डिवाइस है जिसको हम लोग प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं उसके कितने टाइप है, तो हमारी दो तरीके की होती है। पहली होती है मैनोमीटर्स और जो दूसरी हमारी है वो है मैकेनिकल गेज।
तो पहले जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये हमारी मैनोमीटर्स के टाइप देखेंगे। तो मैनोमीटर्स भी क्या होता है कि फर्दर ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला जो है वो सिंपल मैनोमीटर होता है और सेकंड जो होता है वो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। सिंपल मैनोमीटर के अंदर क्या होती है, पीजोमीटर, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर एंड इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर। इन सबको अभी हम लोग एक एक करके इंडिविजुअली स्टडी आगे करने वाले हैं, इसलिए भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर जो टॉपिक आती है हमारे डिफरेंशियल यूट्यूब है और सेकंड वन है क्या है, इन्वर्टेड यूट्यूब। ये दो टॉपिक आती है। तो ये तो थी हमारी मैनोमीटर्स के टाइप जो सिंपल और डिफरेंशियल थे। अब हमारी जो सेकेंड है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस के टाइप, वो क्या है, मैकेनिकल गेज है। तो मैकेनिकल गेज के अंदर जो टॉपिक आते हैं हमारी, ये बोर्डन ट्यूब है, डायफ्राम है और बेलो ट्यूब है। तो सिंपल मैनोमीटर के अंदर हमारी पहली टाइप है पीजोमीटर। पीजोमीटर भाई हमने किसके एग्जांपल में देखा था, मैनोमीटर्स के अंदर, कि जहां पर भी हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर करेंगे प्रेशर को, उस केस में अगर हम लोग डिवाइस यूज करेंगे तो पीजोमीटर को डिवाइस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखने वाले हैं और इन सब की प्रॉपर्टीज को, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डील करने वाले हैं। पीजोमीटर इज अ सिंपल ग्लास ट्यूब। एक्चुअली में जितने भी मैनोमीटर्स है ना, सबसे सिंपल जो डिवाइस है वो पीजोमीटर ही है। ये सिंपलेस्ट मैनोमीटर्स है, ये सिंपल ग्लास ट्यूब है दैट इज ओपन एट बोथ एंड्स। ये वर्ड याद रखना है, ये ओपन एट बोथ एंड्स, मतलब ये जो डिवाइस होंगे पीजोमीटर, इसके दोनों एंड जो होंगे वो ओपन होंगे और किसी चीज से क्लोज नहीं होगा। वन एंड ऑफ पीजोमीटर इज कनेक्टेड टू द पाइपलाइन, मतलब पीजोमीटर की जो एक एंड है वो किससे कनेक्ट होगी, वो पाइपलाइन से कनेक्ट होगी। जैसे यहाँ पर देखो, ये हमारी क्या है, पीजोमीटर है। किसी किसी डिवाइस में ये डायरेक्ट वर्टिकली ही अटैच होता है, मैंने यहाँ पर बेंड शेप में दिखा रखा है। तो ये हमारी पीजोमीटर है, इसकी एक एंड यहाँ पर देखो ये एटमोस्फेयर में ओपन है और इसका जो दूसरी एंड है ये वाला, ये किससे है, ये पाइप की क्रॉस सेक्शन को दिखाया जा रहा है, ये जो सर्कल है। तो इसकी जो दूसरी एंड है ये पाइप से कनेक्टेड है, क्लियर हुई चीजें। तो वही बोला गया, वन एंड ऑफ पीजोमीटर इज कनेक्टेड टू द पाइप लाइन होज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, मतलब जहां पर हमें प्रेशर मेजर करना है या जिसकी हमें प्रेशर मेजर करनी है, उसके साथ हम लोग पीजोमीटर की एक एंड को कनेक्ट करते हैं, जबकि दूसरी जो होगी वेयर एज द अदर एंड ओपन इन एटमोसफेयर। तो इसकी जो दूसरी एंड होगी वो क्या होगी, एटमोसफेयर के अंदर ओपन होगी, जो यहाँ पर दिखाया गया है, क्लियर हुई चीजें। तो हमारे पीजोमीटर के दोनों एंड क्या होते हैं, ओपन होते हैं, जिसमें से एक एंड एटमोसफेयर में ओपन रहता है और दूसरी जो है पाइप से कनेक्टेड होती है, या जहां पर हमें प्रेशर को मेजर करना है उस जगह से वो कनेक्टेड होती है, क्लियर है चीजें। मेजर पॉजिटिव प्रेशर ओनली, ये वाली जो पॉइंट है इसको याद रखना है। एनी हाउ जो पीजोमीटर है ना, ये ओनली पॉजिटिव प्रेशर को ही मेजर करता है, क्लियर है चीजें। ये निगेटिव प्रेशर को मेजर नहीं करता है, ओनली पॉजिटिव प्रेशर मेजर। अब ये जो प्रेशर मेजर करता है ना, उसकी क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड कितनी होती है, तो ये जो प्रेशर मेजर करता है, या तो प्रेशर लो वैल्यू में होगी या मॉडरेट प्रेशर होगी, मतलब वेरी हाई प्रेशर ये मेजर नहीं कर सकती है। इस वर्ड से क्या है पता चला, जो हमारी पीजोमीटर है वो या तो लो प्रेशर मेजर करेगी या मॉडरेट प्रेशर मेजर करेगी, वेरी हाई और हाई प्रेशर मेजर नहीं कर पाएगी। मतलब ये इसके क्या हो गए, डिसएडवांटेज हो गए, कि पीजोमीटर को हम लोग लो या मॉडरेट प्रेशर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, हाई प्रेशर मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अब इसी वजह से इसकी डिसएडवांटेज भी यहाँ पर अपीयर होगी। अब क्या है इसको जरा स्टडी करते हैं। इट कैन नॉट मेजर वेरी हाई प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर को भी मेजर नहीं कर पाएगा। वैक्यूम भी क्यों नहीं, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि ये ओनली पॉजिटिव प्रेशर को ही मेजर कर पा रहा है, जबकि वैक्यूम प्रेशर क्या है, निगेटिव प्रेशर है ना, तो इसकी वजह से ये वैक्यूम प्रेशर को मेजर नहीं कर पाएगा। इट कैन नॉट मेजर गैस प्रेशर। अब क्या हो रहा है कि ये गैस प्रेशर को भी मेजर नहीं कर पाएगा, मतलब हम लोग पीजोमीटर को वहां पर यूज करेंगे जहां पर हमारी जो फ्लूइड होगी वो लिक्विड फॉर्म में होगी। इससे यही क्लियर हो रही है, गैस के फॉर्म में अगर हमारी फ्लूइड है तो वहां पर हम लोग पीजोमीटर को यूज नहीं कर सकते हैं। एंड प्रेशर ऑफ लाइटर फ्लूइड कैन नॉट बी मेजर्ड, मतलब अगर हमारी कोई फ्लूइड बहुत लाइट है, मतलब हल्की है, तो उसकी हम लोग प्रेशर नहीं मेजर कर पाएंगे। अब जरा इस डायग्राम को समझते हैं। देखो ये तो मैंने बता दिया कि ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, कनेक्टेड टू द पाइपलाइन, और ये हमारी जिस भी पाइप के थ्रू फ्लूइड फ्लो हो रहा है ये उसकी क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये प्लस सेंटर पोजिशन को दिखाया जा रहा है। अब ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस फ्लूइड की डेंसिटी को मैंने यहाँ पर रो से रिप्रेजेंट किया है और सेंटर पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर मान लो इस पॉइंट पर अगर हमें प्रेशर मेजर करना है या प्रेशर हमें रीडिंग लेनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एच जो हाइट है इसकी हम लोग वैल्यू लेंगे या रीडिंग लेंगे। ये एच हाइट क्या है कि जब हम लोग गैस को पाइप के अंदर सिंक करेंगे, इंसर्ट करेंगे,
तो यहाँ से जो फ्लूइड आकर के इस गैस के अंदर जितना राइज हुआ इसको हम लोग रो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये रो कहाँ से लेंगे, रो जो फ्लूइड हो रहा है उसकी डेंसिटी लेंगे और जी तो हमें मालूम है 9.81 होगी। तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट जो लेंगे ना, तो ये जो हमें वैल्यू यहाँ से मिलेगी ये हमें गैस प्रेशर मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर को एज अ रेफरेंस और जीरो प्रेशर माना है, इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा यहाँ पर गैस प्रेशर मिलेगा। और ये जो रूल यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया प्रेशर मेजर करने के लिए, ये कौन सी रूल है, ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ से लिया गया। अब यहाँ पर एक ये वर्ड है जो हमें थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है। अब ये क्या है कि यहाँ पर जो पीए है मोर देन पीएटीएम है, ये पीए क्या है कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर हमें मिलेगा ये प्रेशर ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, एटमोस्फेरिक। अभी एटमॉस्फेरिक की क्यों ग्रेटर देन होना चाहिए, क्योंकि मान लो कि अगर यहाँ पर प्रेशर क्या होगा कम हुआ एटमॉस्फेयर से, तो हमारी जो फ्लूइड होगी ना एटमॉस्फेरिक एयर ही गैस पाइपलाइन के अंदर या इस पाइपलाइन के अंदर ही एंटर कर जाएगी, मतलब इस हमारी जो पीजोमीटर है इसके अंदर हमें राइज लेवल देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो प्रेशर के जो हमारी फ्लूइड का फ्लो होता है वो हाई प्रेशर एनर्जी से लो प्रेशर एनर्जी में फ्लो होगा। तो जब यहाँ पर लो प्रेशर अगर बन गया और इधर हमारी एटमॉस्फेरिक हायर प्रेशर एनर्जी लेवल पर है, इसका मतलब एनर्जी एटमॉस्फेयर से कहाँ जाएगी, गैस पाइपलाइन के अंदर जाएगी, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, तो हमारी रीडिंग हमें नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या रखना है कि जो हमारी गैस पाइपलाइन है या जो भी हमारी जो पाइपलाइन जिसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम लोग पीजोमीटर को यूज कर सकते हैं उस पाइपलाइन के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर मेजर करने। अब जो हमारी सेकेंड टाइप है वो हमारी है सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, इसको भी हम लोग यूज करते हैं फॉर मेजरिंग प्रेशर, लेकिन प्रेशर किस टाइप की, वेरी हाई प्रेशर। एक तरह से अगर मैं बोलूं हमें सिंपल यूट्यूब पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पर पॉइंट ये निकल के आएगा क्योंकि हमारी जो पीजोमीटर है वो वेरी हाई प्रेशर को मेजर नहीं कर पा रहा, साथ ही साथ अगर हमारे फ्लूइड गैस के फॉर्म में या जो हमारे फ्लूइड अगर लाइटर है तो उसकी प्रेशर को भी वो मेजर करने में फेल हो जा रही है, सक्सेस नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमें एक नए टॉपिक को स्टडी करना पड़ा जिसको हम लोग किस नाम से पढ़ेंगे, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर के नाम से स्टडी करने वाले। तो ये जो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर यूज किया जाता है ये वेरी हाई प्रेशर और हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, क्लियर हुई चीज है। या ये बोल सकते हैं कि जहां पर पीजोमीटर वर्क नहीं कर पाएगी वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये यूज किया जाता है मेजरिंग पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव प्रेशर। ये जो हमारे सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है ये पॉजिटिव प्रेशर भी मेजर करके देगी और निगेटिव प्रेशर भी, ये बोल सकते हैं कि ये हमें वैक्यूम प्रेशर भी मेजर करके देगी, जबकि हमारे पीजोमीटर क्या होती है वैक्यूम प्रेशर या निगेटिव प्रेशर को मेजर नहीं कर रही थी। तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रेशर को रीडिंग करानी है तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर को प्रेफर करेंगे, पीजोमीटर को नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें निगेटिव प्रेशर मेजर करके नहीं दे पाएगी, निगेटिव प्रेशर रीडिंग वहां पर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशन आया, टुवर्ड्स द ग्रेविटी की तरफ अगर हम लोग प्रेशर को मेजर करेंगे तो वहां पर साइन जो यूज करेंगे वो पॉजिटिव यूज करेंगे, अगर हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट में प्रेशर को मेजर करेंगे तो वहां पर हम लोग साइन निगेटिव यूज करेंगे। या ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं प्रेशर मेजर करने के लिए तो वहां पर पॉजिटिव यूज करेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो निगेटिव प्रेशर यूज करेंगे। अब ये साइन आया कहाँ से, तो ये साइन एक्चुअली हाइड्रोस्टैटिक लॉ से ही आया, जब हम लोग वहां पर डेरिवेशन किए थे तो वहां पर मैंने बताया था कि ये साइन को हमें याद रखना है कि जब हम लोग फ्री सरफेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारी प्रेशर इंक्रीज होती है और फ्री सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी प्रेशर डिक्रीज होती है, उसी बेसिस पर ये साइन यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज क्या चेंज कर दिया गया कि अगर हमें ग्रेविटी के टुवर्ड्स जाननी है, मतलब टुवर्ड्स दी ग्रेविटी अगर हमें प्रेशर मेजर करनी है मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में प्रेशर मेजर करनी है मींस अपवर्ड डायरेक्शन में तो हमें निगेटिव साइन यूज करना है। तो इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मैनोमीटर के अंदर जो भी हमने फ्लूइड लिया है उसकी कैलकुलेशन करेंगे और उसकी प्रेशर को मेजर करेंगे। एक्चुअली मैं ये मेथड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो न्यूमेरिकल आएंगे ना सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर के तो उसके कोई फॉर्मूले नहीं होते, ये जो मेथड हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं, ये जो मेथड अभी मैं फॉलो करने वाला हूँ यही सेम मेथड को फॉलो करते हुए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे अगर हमें फ्यूचर में इस तरह के न्यूमेरिकल देखने को मिला तो। इसलिए इसके प्रोसेस पे और साइन कन्वेंशन पे हमें कॉन्सेंट्रेशन करने की ज्यादा जरूरत है।
तो अब यहाँ पर पहले मैंने क्या किया कि ये पी नॉट प्रेशर लिया। ये पी नॉट प्रेशर क्या है कि ये जो हमारी पाइपलाइन है वहां पर जिस पॉइंट पर हमें प्रेशर मेजर करना है उस पॉइंट की प्रेशर को हमने क्या मान लिया, पी नॉट प्रेशर मान लिया। और उसके अंदर जो फ्लूड फ्लो हो रहा है उस फ्लूड की डेंसिटी को हमने रो नॉट माना। ये जो फ्लूड है ये सेम फ्लूड यहाँ से यहाँ तक मतलब एक्स हाइट बिलो तक ये सेम फ्लूड लेवल है। यहाँ से फ्लूड हमारे चेंज हो जा रही है और ये जो हमारे फ्लूड है इस फ्लूड को हम लोग मैनोमेट्रिक फ्लूड बोलेंगे, जिसकी डेंसिटी यहाँ पर क्या है ये रो एम से मैंने रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पर ये यूट्यूब के सेंटर से जो इस साइड में जो लिम्ब आएगा उसको हम लोग लेफ्ट लिम्ब बोलेंगे। जैसे ये जो हमारी लिम्ब है ये हमारी लेफ्ट लिम्ब कहलाएगी और इस यूट्यूब के सेंटर लाइन से जो हमारी राइट साइड में जो लिम्ब आएगी उसको हम लोग राइट लिम्ब बोलेंगे, जो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। अब यहाँ पर देखो कि मैंने ये डॉटेड लाइन यूज किया है। अब ये क्यों यूज किया अभी समझाऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पर जो हमारे फ्लूड खत्म हो रही है कौन सी, जो फ्लूड फ्लो हो रही है वहां से मैंने सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया अब तो राइट लिम्ब तक। अब ये क्यों ड्रा किया अभी इसका मैं रीजन बता दूंगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ये प्रेशर पी नॉट ले लिया जहाँ पर प्रेशर मेजर करना है। अब ये सेम लेवल पर है मतलब यहाँ से यहाँ तक प्रेशर क्या होगा ये सेम होगा। अब ये सेम क्यों होगा, याद करो कि हम लोग पास्कल्स लॉ के अंदर क्या पढ़ रहे हैं कि अगर हमें किसी भी पॉइंट को अगर प्रेशर मेजर करना है अगर वो सेम एलिवेशन पर या सेम हाइट पर है और सेम लेवल पर है तो है उस सारे लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे सारे के प्रेशर क्या होगी, सेम होगी। इसलिए यहाँ से यहाँ तक प्रेशर जितने भी पॉइंट आएंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन यहाँ से जब हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं कहाँ तक, ये यहाँ पर हमारी जो फ्लूड फ्लोइंग फ्लूड है या जो फ्लूड यहाँ पर इस पाइपलाइन सेक्शन दिखाया गया है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो ये यहाँ तक आ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक आना है प्रेशर का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब ये इंक्रीमेंट कितना होगा ये एक्स टाइम से होगा। तो इसको मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है, रो नॉट, क्योंकि इस फ्लूड की डेंसिटी रो नॉट है, जी तो हमें पता ही है और कितनी हाइट तक है ये तो हमारी ये एक्स हाइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए साइन क्या लिया गया, पॉजिटिव लिया गया। अब यहाँ से हम लोग वाई वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो इस केस में हम लोग जो प्रेशर लेंगे रो जी वाई तो लेंगे लेकिन डेंसिटी किसकी लेंगे, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारी मैनोमेट्रिक फ्लूइड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया ये रो एम जी वाई, रो एम क्या है मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी है। अब इसको मैंने प्लस लिया क्यों, क्योंकि जब हम लोग इस डायरेक्शन में आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, मान लो कि ये हमारी सेंटर लाइन है तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया रो एम जी वाई, ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ तक हर एक पॉइंट पर तो प्रेशर सेम होगा लेकिन जब यहाँ से हम लोग यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से प्रेशर में चेंजेस आएगा। अब ये चेंजेस कितना होगा तो ये भी सेम क्या हमारी मैनोमेट्रिक फ्लूइड है तो रो एम जी वाई, लेकिन यहाँ पर साइन हमने क्या लिया, यहाँ पर जो हमने साइन लिया ये हमारी साइन निगेटिव है। अभी निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि अभी हमने क्या यहाँ पर साइन कन्वेंशन पढ़ा है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी और या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारी जो साइन होगी प्रेशर की निगेटिव होगी। हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे कि अगर ये हमारे रेफरेंस लाइन यहाँ पर आ गई तो अगर हम लोग यहाँ से प्रेशर को मेजर करना अपवर्ड डायरेक्शन में तो हमारी प्रेशर क्या साइन लेकर के आएगी, निगेटिव साइन लेकर के आएगी, इसलिए ये क्या हो गया निगेटिव साइन। फिर अब यहाँ से इस डॉटेड लाइन के अपर तक जो हमारी राइट लिम्ब है जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का राइज आया है उस राइज को अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारी रो एम तो रहेगी यहाँ पर रो एम है और जी भी रहेगी और कितने हाइट तक ये राइज किया है एक्स प्लस एच तक, इसलिए इसको क्या रखा गया एक्स प्लस एच रखा गया और इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर क्या ये हमारे लिम्ब ओपन टू द एटमॉस्फेयर है इसलिए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर यही किसी दूसरी पाइपलाइन से कनेक्ट होता तो इक्वल टू प्रेशर ऑफ दैट पाइपलाइन आता, लेकिन यहाँ पर ओपन टू द एटमॉस्फेयर है तो इक्वल टू जीरो रखा। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर गैस प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर नहीं कर रहे। तो एक्चुअली मुझे बात जो समझानी है हमें ये जो यहाँ पर पॉइंट है इसको समझानी है और ये इसी से क्या हुआ कि ये पॉइंट यहाँ पर ये रिलेट होगी। यहाँ पर देख रहे हो जितना हम लोग प्रेशर ऐड कर रहे हैं, जितना हम लोग यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं उतना ही ये कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इसके आने और ना आने से हमारे इक्वेशन या एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब क्या करेंगे कि अगली बार से जब हम लोग क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये वाले कंपोनेंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब ये वाले को इन्वॉल्व नहीं करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो जो हमारे फ्लूइड है लोअर लेवल फ्लूइड, जो हमारे लोअर लेवल फ्लूइड है वहां से कोई और फ्लूइड का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट जंप लेकर के एक साइड के लिम्ब से दूसरे साइड लिम्ब में जाएंगे। मतलब ये हमारी लेफ्ट लिम्ब है
ये हमारी फ्लूइड यहाँ पर खत्म हो रही है, यहाँ से हमारी मैनोमेट्रिक फ्लूइड आ रही है, तो ये सेम फ्लूइड है यहाँ पर, फ्लूइड हमारी चेंज नहीं हो रही, यहाँ से यहाँ तक सेम फ्लूइड है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जंप कर जाएंगे। अब ये जंप करने का फायदा क्या होगा कि हम लोग जब इसको मेजर भी कर रहे हैं तो जितना हमें ये प्रेशर मिल रहा है उतना ये मिल रहा है विद अपोजिट नेचर, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, खत्म हो जा रहा है, मतलब जीरो वैल्यू दे रहा है, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन में, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जंप कर जाएंगे। और इस जंपिंग मेथड को ही हमने यहाँ पर नाम दिया क्या, जंपिंग जैक मेथड। तो अब जो हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे जिसमें टॉपिक में हम लोग रेफरेंस लाइन कहाँ लेंगे, बिलो द फ्लूइड लेवल, तो उसके बिलो जो भी हमारे फ्लूइड होगी हम लोग उसको कंसिडर कैलकुलेशन में नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जंप कर जाएंगे। तो अब यहाँ से जो हमारी एक्सप्रेशन जो हमारी शॉर्ट आउट होकर के हमें मिलेगी क्या, पेन आउट प्लस रो जी एक्स माइनस रो एम, ये माइनस साइन है, रो एम जी इंटू एक्स प्लस एच। तो ये हमें मिल गया कि हमारी जो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है उसको अगर हमें प्रेशर मेजर करना है, अगर इस तरह का उसके अंदर अरेंजमेंट दे रखा है तो उसके लिए एक्सप्रेशन ये होगा। तो हमें ये एक्सप्रेशन याद नहीं रखना, या हमें ये इक्वेशन या फॉर्मूला याद नहीं रखना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जो फ्लूइड का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पर मैंने दो दिखा रखा है, कभी कभी ऐसा होता है तीन दिखा दिया जाता है, कभी चार दिखाई दिया जाता है, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, हमें बस सिंपल जो बेसिक मैंने भी मेथड बताया है, जो सिस्टमेटिक तरीके बताया है, इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, टेक द लोअर लेवल। अब ये लोअर लेवल क्यों बोला गया है इसका भी मैं समझाता हूँ। मैनोमेट्रिक फ्लूइड एज अ रेफरेंस, अभी मैंने बोला भी था कि जो हमारे फ्लूइड की सबसे लोअर लेवल होगी उसको हम लोग रेफरेंस मानेंगे। अब यहाँ पर लोअर लेवल इसलिए बोला गया है क्योंकि मान लो कि अगर हम लोग यहाँ पर अगर रेफरेंस ले रहे हैं, इस रेफरेंस लाइन के नीचे ये अलग एक फ्लूइड मिल रहा है और यहाँ पर ये एक अलग फ्लूइड मिल रहा है, जब इन दोनों की प्रेशर को ऐड करेंगे तो क्या इस साइड के प्रेशर के बराबर होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों साइड में दोनों तरफ जो फ्लूइड मिल रही है हमें सेम नेचर का मिल रहा है इस साइड में राइट लिम्ब पे, लेकिन लेफ्ट लिम्ब पे जो हमें प्रेशर मिल रहा है वो दो डिफरेंट नेचर के मिल रहा है, इसलिए जो प्रेशर की वैल्यू भी आएगी जब दोनों का हम लोग सम करेंगे बराबर नहीं आएगी, जब तो ओवरऑल वैल्यू हमें दोनों की वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी जब सम करेंगे। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट ये मैंने ऐड किया है कि लेफ्ट लिम्ब प्रेशर इक्वल टू राइट लिम्ब प्रेशर, इसको समझ रहा, ये जो मैंने यहाँ पर प्रेशर सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर यूज किया गया कि नेचर वाइज हमें इसको प्लस करना है हाइड्रोस्टैटिक लॉ को फॉलो करते हुए, दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पर ये वाले रूल को भी फॉलो करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि जो हमारी जितना प्रेशर लेफ्ट लिम्ब में होगी उतना ही प्रेशर हमारी राइट लिम्ब में भी होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस मेथड को भी फॉलो करके अगला डेरिवेशन करेंगे तो हमें सेम यह रिलेशन मिलने वाला है, कोई चेंजेस नहीं मिलने वाले। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि मरकरी को ही क्यों यूज किया जाता है एज अ मैनोमीटर, मैक्सिमम केस में मरकरी ये देखना है कि एज अ मैनोमीटर यूज किया जाता है, कभी कभी ऑयल यूज किया जाता है या कहीं कहीं पर गैस भी यूज किया जाता है, अभी हमें देखने को मिलेगा। तो इसको रीजन को जानने के लिए हम लोग इन तीन चार पॉइंट को स्टडी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है कि मरकरी की जो वेपर प्रेशर है वो लो होती है जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है, लो वेपर प्रेशर होने की वजह से ये क्या होगा कि ये लेस वोलेटाइल होगा, दूसरा क्या है कि ये इमिसिबल होती है या इसकी डेंसिटी जो होती है हाई होती है, जो थर्ड वन है ये डज नॉट स्टिक विद ग्लास, ये ग्लास के साथ स्टिक भी नहीं होती है। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज कहाँ पढ़ा था, जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे वहां पर कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, वहां पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज किस बेसिस पर कोहेसिव होगी एडहेसिव होगी, इसको हम लोग वहां पर देखे थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर। अब यहाँ पर उसकी जब हम प्रेशर मेजर करनी है तो हम लोग फॉर्मूला रो जी एच यूज करेंगे, रोज यूज करने के लिए तो उसकी जो डेंसिटी की जो वैल्यू होती है मरकरी की 13.6 × 10³ केजी पर मीटर क्यूब होती है, यह हमें डेटा याद रखना है क्योंकि कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये डेटा नहीं गिवन रहता है, तो अगर हमें रिक्वायरमेंट हो तो हम लोग इस डेटा को यूज कर लेंगे। तो अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि इसकी डेंसिटी की वैल्यू देखो काफी ह्यूज है, काफी ज्यादा अमाउंट में है इसकी डेंसिटी की वैल्यू, तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर मरकरी यूज कर रहे हैं एज अ मैनोमेट्री तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को कम हाइट में मेजर कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। मान लो कि हमें 20 × 10⁴ पास्कल प्रेशर मेजर करना है, तो उस केस में देखो कि जब हम लोग यहाँ पर इस डेंसिटी की वैल्यू को पुटिंग करेंगे और जी की वैल्यू को पुटिंग करेंगे तो उसके बाद जो हमें एस की वैल्यू मिलेगी ना वो हमें बहुत ही कम मिलेगी। इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमें एक एडवांटेज मिल रहा है जब हम मरकरी को एज अ मैनोमीटर यूज कर रहे हैं,
अब वो एडवांटेज क्या है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को कम से कम हाइट में मेजर कर ले रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करते हैं कि अगर मान लो कि हमें प्रेशर ज्यादा अमाउंट मेजर करना है तो हमें उस डिवाइस या वो जो ट्यूब हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस या मैनोमेट्री डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, तो उसकी जो लेंथ होगी ना वो काफी ज्यादा लेंथ होगी। तो इतनी बड़ी लेंथ को हमें इंस्टॉल करने में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, उसके अलावा कॉस्टिंग भी बहुत बढ़ जाएगी। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि मरकरी को ही प्रेफर करते हैं। क्लियर हुई चीजें? अब यहाँ पर सेकेंड नोट पॉइंट जो आ रहा है वो हमारी है, इवन इन मल्टीपल ट्यूब्स और कंटेनर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर रिमेन सेम इफ दे आर इंटरकनेक्टेड बाय होमोजेनियस और सेम फ्लूइड। क्या बोला गया है? ये हम लोग मल्टीपल ट्यूब्स ले रहे हैं या कंटेनर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल, मतलब एक ही लेवल पर हम लोग एक से ज्यादा ट्यूब ले रहे हैं या एक से ज्यादा कंटेनर ले रहे हैं, तो उस केस में भी प्रेशर सेम रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? इफ दे आर कनेक्टेड बाय होमोजेनियस और सेम फ्लूइड, मतलब जितनी भी ट्यूब है या कंटेनर है सब में सेम फ्लूइड होना चाहिए, तो उस केस में भी हमारी प्रेशर क्या होगी? सेम रहेगी। ये हमारी नोट पॉइंट है।